दिल्ली देहात के कई रेलवे फाटक ऐसे हैं जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इससे कई बार गेटमैन को फाटक बंद करने तक में दिक्कत आती है। ऐसे में रेलवे ने 5 संवेदनशील रेलवे फाटकों को चिन्हित कर यहां ट्रैफिक मार्शलों को तैनात करने का निर्णय किया है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके के कस्तूरबा नगर में रविवार रात कुछ बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। इंस्पेक्टर के परिवार के मुताबिक बदमाशों के साथ हुई लड़ाई में उनकी जान गई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तरी निगम का बड़ा हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर वेतन के मुद्दे को लेकर अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सोमवार से डॉक्टरों ने अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच चल रही रार के चलते दिल्ली में ऑटो किराया बढ़ोतरी एक बार फिर फंस गई है। बीते मार्च में कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी फाइल अभी तक परिवहन विभाग के पास पड़ी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर गिरफ्तारी पर 7 दिन के लिए और रोक बढ़ाने की मांग की है। कालाधन कानून को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। भारतीय सेना की ओर से सोमवार को एक बार फिर यह कहा गया कि सेना ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक को सितंबर 2016 में ही अंजाम दिया था। सेना की ओर से दी गई इस जानकारी से कांग्रेस के दावों की पोल खुल गई है। दरअसल कांग्रेस ने दावा किया था कि उसकी सरकार में भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने सोमवार को घोषणा की कि दूध के दामों में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा होगा। दूध के दामों में हुई यह बढ़ोतरी कल यानी मंगलवार से लागू होगी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 3 मैचों की द्विपक्षीय श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान दक्षिण कोरिया को 2.1 से हरा दिया। ICICI बैंक की फॉर्मर चीफ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी ROC के जरिए हाल ही में कोचर की कम से कम 4 कंपनियों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दी है। ये है DID में खबरें। अब तक इंतजार कीजिए कल तक।